हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग नेस्टेड इफ। सो इससे पहले वाली वीडियो हमने हमने करा था इफ विद एंड एंड और। सो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और करेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब हम एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ्स लगा देते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं नेम, एंड यहाँ पर उनके मार्क्स हैं, और मैं यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम लगाना चाहता हूँ कि अगर गगन के मार्क्स 0 से 30 के बीच में लाइक करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए डी ग्रेड। अगर गगन के मार्क्स 30 से 50 के बीच में आते हैं तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम आना चाहिए सी ग्रेड। अगर 50 से 80 के बीच में होता है तो बी ग्रेड, एंड 80 से ऊपर ए ग्रेड। तो यहाँ पर मुझे ग्रेडिंग सिस्टम लगाना है। सो मैं कंडीशंस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा इजी रहे। सो 0 से लेके 30 तक हमें चाहिए ए ग्रेड, 30 से लेके 50 तक हमें चाहिए बी ग्रेड, हमें चाहिए सॉरी डी ग्रेड, 0 से 30 तक डी ग्रेड, 30 से 50 तक हमारे पास चाहिए सी ग्रेड, 50 से 80 तक हमारे पास होने चाहिए बी ग्रेड, एंड 80 से ऊपर होना चाहिए ए ग्रेड। सो ये कंडीशंस है जो हमें लगानी है कि 0 से 30 के बीच में अगर हमारे पास मार्क्स आते हैं तो हमारे पास आना चाहिए डी ग्रेड, 30 से 50 के बीच में आते हैं तो सी ग्रेड, 50 से 80 के बीच में आते हैं तो बी ग्रेड, और 80 से ऊपर ए ग्रेड। सो ये सिस्टम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाती हैं। सपोज मैं पहली कंडीशन लेके चलता हूँ ये वाली 0 0 to 30 डी ग्रेड। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इफ लगाएं इक्वल टू इफ, तो पहली कंडीशन है कि ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और 30 से छोटी है, इट मीन्स इफ देन इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 30 तो हमारे पास आना चाहिए डी ग्रेड। लेकिन हम यहाँ पे सीधे नहीं लगा सकते कि दिस वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 30, इस तरीके से हम अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में करा था। इस तरह की कंडीशंस जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है हम एंड का यूज करते हैं। सो यहाँ पर भी हम एंड का यूज करेंगे, एंड और एंड के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। सो हमारी कंडीशंस हैं कि 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और 30 से छोटी होनी चाहिए। सो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 30 ब्रैकेट क्लोज। सो हमने यहाँ पे एंड को क्लोज कर दिया। अब इफ के लिए ये पूरा एंड फंक्शन एक लॉजिक है, एक कंडीशन है। सो अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती है, यानी कि अगर मेरा ये नंबर 0 से 0 से बड़ी वैल्यू है और 30 से छोटी वैल्यू है, यानी 0 से 30 के बीच में अगर लाइक करता है तो हमारा यहाँ पर होना चाहिए रिजल्ट वैल्यू इफ ट्रू दैट इज डी ग्रेड एंड देन कॉमा। एंड अगर ये वैल्यू 0 से 30 तक बीच में, अगर 0 से 30 के बीच में लाइन नहीं करती है तो यहाँ पर हमारा आएगा एल्स वाला पार्ट। तो हमारा क्या आना चाहिए? सो एल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेकंड कंडीशन लगा देंगे। सो पहले तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि ये वाली कंडीशन में हमारा ये वाला नंबर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये लाइक करता है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा डी ग्रेड, और अगर लाइक नहीं करता है तो हमारा कंडीशन चला जाएगा एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर वो सेकंड इफ के अंदर एंटर कर जाएगा। और सेकंड इफ में हम कंडीशन देते हैं कि अगर 0 से 30 में लाइक करता है तो ये, लेकिन अगर 30 से और 50 के बीच में है, यानी कि यहां पर हम इफ के अंदर फिर से दूसरी कंडीशन दे देंगे एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 50, हमारे पास ये दूसरी कंडीशन, तो हमारे पास आना चाहिए सी ग्रेड कॉमा। अगर इसके बीच में लाई कर जाती है तो हमारा जाएगा सी ग्रेड, और इसके बीच में लाई नहीं करती है तो हम क्या चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर से इफ लगा देंगे। सो इफ के अंदर फिर से हम एंड लगाएंगे, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, 50 से ऊपर और 80 से नीचे। सो दिस वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 30 कॉमा एंड दिस वैल्यू इज लेस देन है 80 तो हमारे पास आना चाहिए डी ग्रेड सॉरी सी ग्रेड देन बी ग्रेड कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि हम इस कंडीशन को फिर से चेक करते हैं कि अगर वैल्यू हमारी 0 से लेकर 30 तक उसके बीच में होगी तो हमारा आ जाएगा डी ग्रेड। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी कंडीशन सेकंड, हमारी जो कंडीशन है वो सेकंड पे चली जाएगी। यानी कि अगर 0 से 30 के बीच में आया तो डी ग्रेड, अगर नहीं है देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 30 to 50। अगर वैल्यू 30 to 50 के बीच में आ रही है तो सी ग्रेड, अगर ऐसा नहीं है देन एल्स तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है हमारी 30 से बड़ा, सॉरी इट्स लाइक 50, अगर 50 से बड़ी है और 80 से छोटी है तो हमारा आ जाएगा बी ग्रेड। अगर ये भी नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट का हमारा बचता है 80 अबव, यानी 80 से ऊपर या 100 से नीचे, या फिर हम सिंपल मेंशन कर सकते हैं कि अगर 80 से ऊपर है तो
अगर इसके बीच में लाई नहीं कर रहे हैं 50 से 80 के बीच में, तो एट द एंड हमारा रिजल्ट आना चाहिए ए ग्रेड के अंदर, यानी कि 80 से ऊपर सारे ए ग्रेड। इन्वर्टेड कॉमा में एल्स के अंदर हम लिख देंगे ए ग्रेड। इसके अंदर अब देखिए जो लास्ट वाला ब्रैकेट होता है वो हमारा हमेशा ब्लैक कलर का होता है। अक्सर एक कंफ्यूजन होती है कि हमें कितने ब्रैकेट खोलने हैं और कितने बंद करने हैं। सो जो भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन चालू किया था, तो यहाँ पर एंड फंक्शन लगाने के बाद इसको इसका ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने एंड चालू किया था और यहाँ पे ब्रैकेट से हमने ये क्लोज कर दिया। इसी तरीके से जितने भी फंक्शन आप शुरू करते हैं उसको हम फंक्शन लगाने के बाद क्लोज भी कर देते हैं। अब हम जब लास्ट में लास्ट का ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा लास्ट का ब्रैकेट हमेशा ब्लैक कलर का होता है। अगर ब्लैक कलर का नहीं है, इट मींस कुछ ना कुछ हमारा बीच में ब्रैकेट मिस हो गया है। सो अगर मैं चेक करूं इसको, एक ब्रैकेट और लगाते हैं, ये हमारा रेड कलर का है एंड देन इवन मोर इज ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर का हमारा आ जाता है, इट मींस सारे के सारे ब्रैकेट्स हमारे बीच में जो थे वो सारे के सारे प्रॉपरली क्लोज हो गए हैं। सो इस कंडीशन को फिर से रीड करते हैं एक बार। अगर मेरी वैल्यू 0 से 30 के बीच में है तो टी ग्रेड, अगर ऐसा नहीं है 30 से 50 के बीच में है तो सी ग्रेड, अगर 50 से 80 के बीच में है तो बी ग्रेड, और अगर इनमें से किसी में भी लाइन नहीं करती है तो ए ग्रेड। इट मींस अगर 0 से लेके 30, 0 से लेके 80 तक हमारा नंबर जो हमारा स्कोर है वो अगर 0 से लेके 80 तक कहीं भी इनमें बीच में लाइन कर जाता है तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू दे देगा, यानी रिस्पेक्टिव ग्रेड हमें दे देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 80 तक हमारा लाई नहीं करता है, तो उसके अलावा लास्ट में जो बचेगा वो है हमारा ए ग्रेड, दैट इज एल्स पार्ट। सो अगर 0 से 30 के बीच में आता है तो डी ग्रेड, 30 से 80 के 50, 30 से 50 के बीच में सी ग्रेड, 50 से 80 के बीच में बी ग्रेड, एल्स लास्ट में ए ग्रेड। इसको एंटर करते हैं, देखिए रिजल्ट सही आ रहा है। सो अगर मैं इसको करूँ 25 सो डी ग्रेड, अगर मैं इसे करूँ 45 सी ग्रेड, अगर मैं से करता हूँ सपोज 55 बी ग्रेड, अगर मैं से करता हूँ 100 देन ए ग्रेड। सो द नंबर द फॉर्मूला इज परफेक्टली फाइन। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मूले को सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच गाइस।